आज हम बताएंगे त्रिविमीय ज्यामिति के प्रश्नावली 11.3 को। तो चलिए 11.3 को आज हम बताते हैं किस प्रकार से इसमें सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। यह है भाग वन। इस भाग वन में हम 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और भाग टू भी बनाया जाएगा इसके बाद, और उस भाग टू में भी 7 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इन टोटल प्रश्नावली 11.3 में 14 क्वेश्चन मौजूद है, जिसमें भाग वन में 7 क्वेश्चन बताएंगे, भाग टू में भी 7 क्वेश्चन बताएंगे। इस तरह से ये 14 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं 11.3। 11.3 में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है समतल। समतल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। समतल का समीकरण है, समतल का कार्तीय समीकरण है, समतल का अभिलंब है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आज हम आपको सब क्लियर करेंगे कि समतल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन में लिखा है, प्रत्येक का समतल के अभिलंब की दिक कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? समतल के अभिलंब की एक तो दिक कोसाइन ज्ञात करना है और मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। और इस पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ए बी सी डी। तो हम पहले ए को क्वेश्चन को बताएंगे किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। जेड बराबर 2, ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए जेड बराबर 2 देने का मतलब ये है कि ये जेड जेड दिया है ना, एक्स वाई तो नहीं दिया है यहां पे, तो ये क्या है, जेड अक्ष दिख रहा है, जेड अक्ष की दिशा में है, ठीक। जब ये जेड अक्ष की दिशा में है तो इसके बाकी दिक कोसाइन क्या हो जाएगा? पहले हम निकालेंगे क्या, दिक अनुपात। दिक अनुपात, इसके दिक अनुपात एक्स वाई यहां पे नहीं दिया है तो वो 0-0 है, और जेड हमारा इसका गुणांक 1 है तो ये हो जाएगा 1। मतलब इसका दिक अनुपात हमें 0-0-1 मिल गया। अब हम ज्ञात करेंगे दिक अनुपात। दिक अनुपात, दिक अनुपात के लिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0, फिर इसके लिए भी कॉस 90 डिग्री, और 1 किसके लिए होता है, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो हमारा दिक अनुपात आ गया कॉस 90, कॉस 90 और कॉस 0 अंश, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0-0-1, ये भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, डिस्टेंस, दूरी। तो स्पष्टता हमें यह पता है कि जेड बराबर अगर 2 दिया है तो मूल बिंदु की दूरी कितना हो जाएगी, मूल बिंदु से दूरी इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बी नंबर बताते हैं। बी नंबर का क्वेश्चन लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमें इसका क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसका हमें अभिलंब का दिक अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने ज्ञात किया था। तो लिखेंगे अभिलंब का दिक अनुपात, अनुपात क्या हो जाएगा, इसके गुणांक कितने हैं, 1-1-1 मिल जाएंगे, 1-1-1 मिल जाएंगे। ये तो हमें दिक अनुपात मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है अभिलंब की दिक कोसाइन, तो लिखेंगे अभिलंब की दिक कोसाइन। तो अभिलंब की दिक कोसाइन ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है a अपॉन कॉस अल्फा की बात कर रहे हैं, सबसे पहले कॉस अल्फा के लिए a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है। और इसी तरह से कॉस बीटा के लिए है b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसी तरह से कॉस गामा की c अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां पे हमें ए बी सी दिक अनुपात दिख रहा है, ठीक। तो क्या करना है, हमें इसमें रख लेना है। तो हमें यहां पे क्या मिल जाएगा, ए का मान 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, मतलब ये 3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 3। दूसरा भी वही चीज आएगा क्योंकि सारा मान वही सेम है, तो तीसरा भी वही चीज आएगा। जब सारा मान सभी सेम है तो इसलिए हमारा ये मिल गया दिक कोसाइन, और 1 अपॉन रूट 3। दिक कोसाइन तो मैंने ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है समतल का समीकरण जो दिया है उससे दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं।
तो ये हमें क्वेश्चन में दिया है समतल का समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू वन। हमें दूरी डिस्टेंस निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मदद लेंगे। अब डिस्टेंस दूरी ज्ञात करने के लिए हमें एक व्यापक समीकरण को लिखना पड़ेगा। व्यापक समीकरण वो क्या है, देखिए व्यापक समीकरण है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू डी। हमें इसी डी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए ये समीकरण इस समीकरण की तरह दिख रहा है लेकिन हमें यहाँ पे ये चीजें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण में वन अपार रूट थ्री से अगर गुणा कर देते हैं तो हमें तुलना करने पर आसानी से मिल जाएगा। तो लिखेंगे समतल के समीकरण में, समतल के समीकरण में वन अपान रूट थ्री से गुणा करने पर, गुणा करेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पहला वन अपान रूट थ्री एक्स प्लस वन अपान रूट थ्री वाई प्लस वन अपान रूट थ्री जेड इजिकल टू, इधर भी गुणा हो जाएगा वन अपान रूट थ्री। अब इससे अगर तुलना करेंगे तो हमें एल एम एन नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल डिस्टेंस डी। तो हमें यहां पे डी बराबर मिल जाएगा वन अपान रूट थ्री, ये हो जाएगी इसकी दूरी। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें लिखा है 2x प्लस 3y माइनस जेड इजिकल टू 5। सबसे पहले इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, दिक अनुपात। दिक अनुपात क्योंकि दिक अनुपात ज्ञात हो जाएगा तभी हम दिक कोसाइन ज्ञात कर पाएंगे। दिक अनुपात इसके गुणांक ले लेते हैं, यह है 2 और यह है 3 और यह है माइनस 1। ये दिक अनुपात हमें मिल गया जिसको ए बी सी भी कहते हैं। ठीक, तो अब हमें ज्ञात करना है दिक कोसाइन। दिक कोसाइन के लिए पहले कॉस अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट में इन सभी का स्क्वायर करेंगे, 2 3 माइनस 1 का 2 का स्क्वायर 4 9 और ये 1 कॉमा, फिर 3 अपॉन रूट में वही वैल्यू हो जाएगी 9 4 13 और एक 14, तो रूट 14 भी लिख सकते हैं और इधर माइनस 1 अपॉन रूट 14 लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे कितना आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14 और माइनस वन अपान रूट 14, ये हमारा मिल जाएगा दिक कोसाइन की वैल्यू। तो दिक कोसाइन तो मैंने ज्ञात कर लिया लेकिन अभी हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था समतल का समीकरण 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर 5। अब इससे हमें दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें वही फिर से मानक समीकरण लिखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। वो क्या मानक समीकरण था, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू डी, यहां से हमें ज्ञात करना है। लेकिन मैंने जो दिक कोसाइन का निकाला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, वो आया था वन अपॉन रूट 14, तो इसी से हम क्या करेंगे, सभी में गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समतल के समीकरण में वन अपॉन रूट 14 से गुणा करने पर, अब इसमें हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2 अपॉन रूट 14 एक्स प्लस 3 अपॉन रूट 14 वाई माइनस जेड अपॉन रूट 14 इजिकल टू, इधर भी गुणा कर लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 5, तो ऑलरेडी था तो 5 अपॉन रूट 14 हो जाएगा। ठीक, ये मैंने गुणा कर लिया। अब हमें इससे और मानक समीकरण से तुलना करना है, जब तुलना करेंगे तो हमें यहां पर डी बराबर मिल जाएगा 5 अपॉन रूट 14, ये हो जाएगा इसके डिस्टेंस की दूरी। चलिए डी नंबर देखते हैं, इसमें लिखा है 5y प्लस 8 इजिकल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं 5y इजिकल टू माइनस 8 लिख सकते हैं। तो यहां पे हमें केवल y दिख रहा है, x और z नहीं दिख रहा है, तो हम यहां पे उसकी 0 0 लेंगे। अब y का 5 गुणांक दिक अनुपात हम ले सकते हैं। अब वो कैसे ले सकते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे, आगे दो क्वेश्चन में मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन इसमें हम आपको बता देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 0x, ठीक है, प्लस 5y ऑलरेडी है, अब प्लस 0z लिख सकते हैं इजिकल टू माइनस 8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अब यहां पर हम निकालेंगे दिक अनुपात। अब दिक अनुपात xyz के गुणांक क्या है, पहला है 0 फिर 5 फिर 0, ये हमें दिक अनुपात मिल गया। लेकिन अब हमें ज्ञात करना है दिक कोसाइन।
दिक कोसाइन कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए जीरो तो वैल्यू होता है किसका, कॉस 90 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू जीरो होता है, लेकिन 5 किसकी वैल्यू होता है, 5 तो वैल्यू किसी का नहीं होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, दिक अनुपात में सभी में हम 5 से भाग दे देंगे, तो पहले में भाग देंगे तो भी जीरो होगा, दूसरे में भाग देंगे तो 1 होगा, तीसरे में भाग देंगे तो भी जीरो हो जाएगा। अब यहां से लिख सकते हैं जीरो ये हो गया, और 1 किसकी वैल्यू है, कॉस 0 अंश की, और ये कॉस 90 डिग्री की, तो हमें दिक कोसाइन भी आपको पता चल गया। ठीक, दिक कोसाइन पता चल गया, अब हमें ज्ञात करना है दूरी, तो चलिए दूरी ज्ञात करते हैं। हमारा क्वेश्चन में दिया गया था 5y + 8 जो कि समतल का समीकरण था, तो हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर लिखें तो ये हो जाएगा -8/5। ठीक, ये लिखने के बाद हम उसी समीकरण से तुलना कर सकते हैं जो मैंने इसके पहले आपको बताया था, तो इसको क्या लिखेंगे, 0x + y + 0z -8/5 ये लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें 001 आया हुआ है वैल्यू, तो यहाँ पे हम किसी से गुणा नहीं करने वाले हैं, अगर हम ये मानक समीकरण लेते हैं my + nz = d, अगर इससे हम तुलना करेंगे तो हमें यहाँ पे d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -8/5 मिल जाएगी। ठीक, लेकिन ये तो हमें मिल जाएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा मेथड अगर यूज करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए, y = -8/5 था, तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर r इंटू वाई किसके लिए होता है, j के लिए होता है, अगर यहाँ पे x होता तो i के लिए होता है, z होता तो k के लिए होता, तो r इंटू वाई j के लिए है, -8/5। इस माइनस को हम यहाँ ले सकते हैं, ये लिखेंगे -j = 8/5। जब ये हो गया तो मूल बिंदु से समतल की दूरी लिखेंगे, मूल बिंदु से समतल की दूरी, मूल बिंदु से समतल की दूरी क्या है, -8/5 को अगर मॉड में लिखते हैं तो इसको बाहर निकालें तो क्या आ जाएगा, 8/5 ही आ जाएगा, अगर इसको हम लेते हैं तो ये 8/5 ही आ जाएगा, तो यहां से हमें डिस्टेंस क्या मिल गया, 8/5 मिल गया, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है, और सदिश हमारा एक सदिश दिया गया है, उस पर क्या है ये अभिलंब दिया गया है, तो हमें एक दूरी दिया गया है मूल बिंदु से 7 मात्रक की दूरी है, जो डिस्टेंस डी बराबर 7 मात्रक हमें दे दिया गया है ऑलरेडी, तो इसको हम यूज करेंगे, लेकिन एक सदिश हमारा दिया है, तो मान लेते हैं माना सदिश को ए मान लेते हैं, a = दिया है 3i + 5j - 6k। अगर इसके सापेक्ष, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष करते हैं या जिसके समांतर करते हैं उसका मात्रक सदिश क्या होता है, उसके अनुसार हम आपको यहां पे बताएंगे, तो यहां पे लिखेंगे a के अनुदिश मात्रक सदिश। यदि a के अनुदिश लेते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर a अपॉन क्या हो जाएगा, इसके गुणांकों का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसके गुणांकों का स्क्वायर क्या है, 3, 5, ये तो लिख सकते हैं यहां पे, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां पे, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर 9 और +5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, ये डायरेक्ट लिख लिए, या a की वैल्यू टोटल ये लिख लेते हैं 3i + 5j - 6k अपॉन, इसको टोटल करेंगे 25, 36 और 9, इसको टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 70। ठीक, ये तो हमें मिल गया a के अनुदिश मात्रक सदिश तो मैंने ज्ञात कर लिया। अब समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला देखिए, समतल का सदिश समीकरण का फॉर्मूला होता है r(n) = d। ठीक है, और यहाँ पे हमें d बराबर 7 मात्रक या इकाई दे दिया गया है। ठीक, तो हम यहाँ पे यही चीजें यूज करके निकालेंगे, तो r(n) हमारा क्या है, n हमारा वही मात्रक सदिश है जो मैंने ज्ञात किया था, क्या था, 3i + 5j - 6k अपॉन क्या था, √70 आया हुआ था, ये हो गया n की वैल्यू, d = 7, तो ये हो गया हमारा समतल का सदिश समीकरण।
इतना करके छोड़ दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्न समीकरणों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए, और इसमें तीन क्वेश्चन है, ए बी सी, तीन अलग अलग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन में है। तो हम क्वेश्चन नंबर ए बताएंगे और सी बताएंगे, बी नहीं बताएंगे, क्योंकि ए जिस तरह से दिख रहा है उसी तरह से बी दिख रहा है। तो हम अगर ए बता लेते हैं तो बी आप कर लेंगे, ठीक है, उम्मीद करते हैं बी नंबर आप कर लेंगे। तो ए को इसलिए ध्यान से समझिएगा ताकि आप बी कर सके, ठीक। तो चलिए ए नंबर शुरू करते हैं। ए हमारा दिया है आर इंटू आई प्लस जे माइनस के इजिकल टू टू। जिस तरह से ए होगा सेम उसी प्रकार से बी किया जाएगा, ठीक। हमें ये तो दे दिया गया है, लेकिन हमें ज्ञात करना है क्या, समतल का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पे रखेंगे, माना वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखने पर, जब वेक्टर आर की वैल्यू मैं ये ले चुका हूं तो यही वैल्यू आर के स्थान पे हमें रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा यहां पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ब्रैकेट डॉट लगाएंगे, फिर आई प्लस जे माइनस के इजिकल टू टू, ठीक। ये हो गया, अब इसका डॉट गुणा करेंगे तो एक्स का आई का आई में करेंगे तो यहां पे मिल जाएगा एक्स इंटू वन, ये हो गया, प्लस वाई के साथ वाई इंटू वन, और जेड के साथ जेड इंटू माइनस वन मिल जाएगा, इजिकल टू इधर क्या है टू मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, समतल का कार्तीय समीकरण। तो यहां से हम थोड़ा सा इसको हल करेंगे और निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समतल का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर टू। तो दिख रहा है हमें, ये हो जाएगा समतल का कार्तीय समीकरण, ये हो जाएगा आंसर। सेम इसी प्रोसेस से आपको बी नंबर भी कर लेना है। चलिए सी बताते हैं। सी नंबर लिखा है हमारा क्वेश्चन आर डॉट, ये वैल्यू दिया गया आई जे के रूप में। हमें यहां पे भी वही चीजें मानना पड़ेगा, माना आर इजिकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब ये वैल्यू यहां पे हम रखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये डॉट हो जाएगा एस माइनस टू टी आई के साथ प्लस थ्री माइनस टी जे के साथ प्लस टू एस प्लस टी, ये हो गया के साथ, ठीक। अब हमें इसके साथ डॉट करना है, अब ये डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू एस माइनस टू टी, ये हो गया पहले के लिए प्लस दूसरे के लिए वाई इंटू थ्री माइनस टी, अब तीसरे के लिए क्या हो जाएगा प्लस जेड टू एस प्लस टी, ये हो गया तीसरे के लिए इजिकल टू, इधर हमारा 15 दिया गया था क्वेश्चन में तो ये हम ले लेते हैं इजिकल टू 15, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो लिखेंगे समतल का कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा, समतल कार्तीय समीकरण ये हो जाएगा एस माइनस टू टी, और यहां पे x लगा लीजिए, ये x का गुणांक है, प्लस 3 माइनस टी ये हो गया y, प्लस 2s प्लस टी ये हो गया z, इजिकल टू 15, ये हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें लिखा है निम्न स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, हमें निर्देशांक बताना है, और इसमें ए बी सी डी चार क्वेश्चन मौजूद है। तो हम इसमें चारों क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन एकदम सरल सरल है, हम पहले बड़े वाले क्वेश्चन बता देते हैं, फिर इन दोनों में से एक को बता देते हैं, फिर इसको हो सकता है इसको बता देंगे। तो इसमें मैक्सिमम दो या तीन क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन, हम 12 को इधर भेज देते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल टू 12। अब इससे हम निकालेंगे दिक अनुपात, पहले क्वेश्चन की तरह जैसे हम पहला क्वेश्चन किए थे उसी तरह से दिक अनुपात, इसका गुणांक हो जाएगा 2, 3, 4। आपको पता है दिक अनुपात जो निकलता है वो ए बी सी होता है, तो ये मैंने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे दिक कोसाइन, दिक कोसाइन,
दी कोसाइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए 2 अपॉन इन सभी का स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4, 4 9 16, 4 9 16 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29। इसी तरह से 3 अपॉन 29 और 4 अपॉन 29, ये हो गया ठीक। ये मैंने टोटल कर लिया दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन जो आता है इसका नाम क्या होता है, तो पहला है L बराबर 2 अपॉन रूट 29 और M बराबर 3 अपॉन रूट 29 और N L M N तीसरा है 4 अपॉन रूट 29 ठीक। मैंने इसके बाद एक और समीकरण मानक समीकरण आपको बताया था, वो क्या था, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। ये मैंने आपको मानक समीकरण बताया था, तो यहां से हमें L ये दिख रहा है, M ये दिख रहा है और N ये दिख रहा है ठीक। ये चीजें हमें दिख रहा है, तो हमें यहां पे ये चीजें नहीं ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पाद के निर्देशांक, के निर्देशांक ज्ञात करना है ठीक। तो पाद के निर्देशांक कैसे ज्ञात होते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो निर्देशांक जो होगा वो होगा एक्स वाई जेड, ये तीनों की वैल्यू हमें ज्ञात करना है एक्स वाई जेड। लेकिन एक्स को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, एक्स को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला बनेगा एल डी और वाई के लिए एम डी और जेड के लिए एन डी। ये तो हो गया फॉर्मूला, लेकिन हमें यहां पे अभी डी नहीं पता है, हमें एल एम एन की वैल्यू पता हो गया तो जो हम यहां पे रख सकते हैं, लेकिन डी की वैल्यू अभी नहीं पता है। तो डी की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, डी की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम आते हैं क्वेश्चन में, यहां पे देखिए ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, टोटल में रूट 29 से हम भाग देंगे, सभी में रूट 29 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। तो मैंने उस समीकरण में जो क्वेश्चन दिया गया था, उस समीकरण में 1 अपॉन रूट 29 से मैंने भाग दे दिया, और ये रूट 29 से अपने मन से नहीं देना है, ये वही देना है जो मैंने मान आपको निकाला था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो रूट का था, ये मैंने भाग दे लिया। अब इसके बाद इसके मानक समीकरण से हम तुलना करेंगे जेड एन जेड ठीक इजिकल टू डी, इससे तुलना करेंगे तो हमें यहां पे डी की वैल्यू मिल जाएगी 12 बटे के रूट 29, ये हो गया ठीक। तो डी की वैल्यू भी हमें पता चल गया है, तो चलिए अब हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एक्स बराबर एल डी, वाई बराबर एम डी और जेड बराबर एन डी, इसमें मान रखते हैं। तो एक्स बराबर एल की वैल्यू कितनी थी, एल की वैल्यू हमारा था 12 बटे के रूट 29 इंटू 2 अपॉन रूट 29, ये हो गया डी की वैल्यू, ये एल की वैल्यू ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 बटे के 29 आ जाएगा, रूट हट जाएगी 24 बटे के 29, ये हो गया। इसी तरह से वाई को लेंगे तो वाई के लिए एम डी था, एम डी की वैल्यू रखेंगे तो डी की वैल्यू है 12 बटे के रूट 29 इंटू 3 बटे के रूट 29, यहां से आ जाएगा 12 के 36 अपान 29। सेम इसी प्रकार से जेड को लेंगे एन डी इजिकल टू 12 बटे के रूट 29 इंटू 29, 12 चौके 48 हो जाएगा बटे 29। तो हमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू अलग अलग प्राप्त हो चुका है, अब लिखेंगे पाद के निर्देशांक, निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड, यही होता है पाद के निर्देशांक। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे 24 बटे के 29, 36 बटे के 29 और 48 बटे के 29, ये हो गया इसके आंसर। चलिए इसके बी पार्ट बताते हैं। तो देखिए बी नंबर 3y + 4z - 6 हमें ये दिया गया है ठीक है। अब करना क्या है ये समझिए, यहां पे हमें करना ये है, ये चीज हमें दिया गया है तो यहां पे हम इसको 6 को पहले भेज लेते हैं, 3y + 4z = 6 ठीक। अब ये करने के बाद हमें क्या करना है, इसके दिक अनुपात ज्ञात करना है। अगर दिक अनुपात निकालेंगे तो x नहीं है इसमें, तो x का हो जाएगा 0, फिर y का हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। तो इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, रूट में निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 मतलब ये 5 आ गया। अब इसी 5 से हम भाग देंगे, इसी 5 से भाग देंगे ताकि हम वो मानक समीकरण बना सके LX + MY + NZ = D। जब भाग देंगे तभी हमें D की वैल्यू पता चलेगा, तो भाग दे लेते हैं 3 अपॉन 5
वाई प्लस फोर अपॉन फाइव जेड इजिकल टू सिक्स अपॉन फाइव। यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो अपॉन फाइव एक्स, ये लिख लीजिए। ठीक, अब यहां से हम इससे तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी बराबर सिक्स अपॉन फाइव, जो कि हमें चाहिए था वो डी मिल गया। ठीक, अब इसके बाद इससे तुलना और करेंगे तो एल की वैल्यू भी मिलेगा, एल बराबर जीरो अपॉन फाइव मिल जाएगा, तो यह इसको जीरो लिख सकते हैं। एम बराबर थ्री अपॉन फाइव और एन बराबर फोर अपॉन फाइव। तो हमें एल एम एन चाहिए था और डी चाहिए था, तो ये दोनों अगर मिल गया है तो हम निकालेंगे पाद के निर्देशांक, पाद के निर्देशांक एक्स वाई जेड, यही होता है निर्देशांक। अब यहां पे एक्स बराबर क्या होता है, एल डी होता है, तो एल डी का फॉर्मूला रखेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव इंटू जीरो इजिकल टू जीरो। वाई बराबर एम डी होता है, इसका मान रखेंगे दोनों का सिक्स अपॉन फाइव इंटू थ्री अपॉन फाइव इजिकल टू हो जाएगा अट्ठारह बटे के पच्चीस। ठीक, इसके बाद जेड बराबर होता है एन डी, तो डी की वैल्यू है सिक्स अपॉन फाइव इंटू इसकी वैल्यू है चार बटे के पांच, ये हो जाएगा छह चौके चौबीस बटे के पच्चीस। अब इसका टोटल निर्देशांक क्या आ गया, जीरो अट्ठारह बटे के पच्चीस और चौबीस बटे के पच्चीस, ये हो गया इसका निर्देशांक। तो उम्मीद करते हैं बी नंबर समझ में आ गया होगा, तो सी नंबर आप आसानी से कर लेंगे, तो सी हम नहीं बताने वाले हैं, हम डायरेक्ट अब डी बताएंगे। तो ये हो गया डी नंबर, फाइव वाई प्लस एट इजिकल टू जीरो, हम एट को इधर भेजेंगे, फाइव वाई इजिकल टू माइनस एट, इसके दिक अनुपात क्या हो जाएगा, दिक अनुपात एक्स का नहीं है जीरो, वाई का है फाइव, जेड नहीं है जीरो, तो ये हो गया दिक अनुपात। ठीक, दिक अनुपात ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा पांच का स्क्वायर पच्चीस हो जाएगा, जिसको बाहर निकालेंगे केवल मिल जाएगा पांच। अब इस पांच से हम भाग देंगे सभी में तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो बटे के फाइव एक्स पहले के लिए, प्लस फाइव अपॉन फाइव वाई, फिर प्लस जीरो अपॉन फाइव जेड, ये तीनों मैंने समीकरण बना लिया इजिकल टू माइनस एट अपॉन फाइव। ठीक, ये हो गया। अब हम इसके मानक समीकरण से तुलना करेंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इजिकल टू डी से तुलना। अब इससे तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा एल बराबर जीरो, एम बराबर वन और एन बराबर जीरो और डी बराबर माइनस एट अपॉन फाइव। ये सभी मिल गया है तो हम निकाल लेते हैं पाद के निर्देशांक, क्या हो जाएगा, हम गुणा करेंगे इसकी वैल्यू जीरो के साथ, तो पहला हो गया किसकी, पहले एक्स के लिए, एक्स की वैल्यू हो गया जीरो और वाई की वैल्यू हो गया माइनस एट अपॉन फाइव और जेड की वैल्यू हो गया जीरो। तो यहां से हमें पाद के निर्देशांक टोटल मिल गया जीरो माइनस एट अपॉन फाइव और जीरो, ये हो गया आंसर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच। इसमें लिखा है निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए हमें बोल रहा है समतलों का सदिश पहला ये ज्ञात करना है और कार्तिक समीकरण, ये दो चीजें हमें ज्ञात करना है। ए नंबर का क्वेश्चन ये दिखा है, बिंदु एक दिया है से जाता है और एक सदिश है, इस सदिश पर समतल पर अभिलंब है। सेम जिस प्रकार से ए क्वेश्चन है उसी तरह से बी क्वेश्चन है कि बिंदु है ये भी बिंदु, ये सदिश ये भी सदिश है, इस पर अभिलंब है ये भी अभिलंब है, तो हम ए नंबर को बताएंगे, बी नंबर आप कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं ए नंबर। तो ये हो गया ए नंबर, बिंदु दिया है और सदिश दिया है, तो सबसे पहले सदिश रूप में समीकरण हम ज्ञात करेंगे। पहला चीज है सदिश रूप में समीकरण क्या हो जाएगा, आर माइनस ए डॉट एन इजिकल टू जीरो, ये हो गया। ए हमारा क्या है, ए हमारा बिंदु का काम कर रहा है, वो कौन सा, वन जीरो माइनस टू बिंदु का काम कर रहा है। एन हमारा मात्रक सदिश है जो आई जे माइनस के है। ठीक, तो हम इसी में रख लेते हैं, तो यहां पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस ए की वैल्यू है वन जीरो माइनस टू है, तो लिखेंगे वन के लिए आई, जीरो के लिए माइनस जीरो जे लिख सकते हैं आप, ये हो गया। और
के लिए क्या है, माइनस टू है तो लिखेंगे माइनस टू के, ये हो गया। कैप लगा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट डॉट। एन की वैल्यू है यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया है आई जे माइनस के, तो लिखेंगे आई प्लस जे माइनस के, ये हो गया इजिकल टू जीरो। ठीक, अभी क्या करना है, यहाँ पे इस जीरो को हटा लीजिए और इस समीकरण को बना लेते हैं। ये हो जाएगा आर माइनस आई माइनस टू, आई माइनस टू के, ये हो गया डॉट आई प्लस जे माइनस के, ठीक, इजिकल टू जीरो। ये हो गया सदिश, सदिश रूप में समीकरण, पहला आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक, अब हमें कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, तो चलिए कार्तीय समीकरण ज्ञात करके बता देते हैं। तो देखिए कार्तीय समीकरण ज्ञात करने के लिए उसका मानक समीकरण क्या है, तभी तो उसमें रखेंगे। तो इसका जो मानक समीकरण है वो है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इजिकल टू जीरो। ये है मानक समीकरण, इस मानक समीकरण में हमें मान रखना पड़ेगा। तो हम ले लेते हैं यहां पे समतल का समीकरण जो x1, y1 और z1 से गुजरता है, से गुजरता है और लंब के दिक अनुपात क्या क्या मानते हैं हम, ए बी और सी। ये है यहां पे ए बी सी हमारा क्या है, दिक अनुपात है, और x1 y1 z1 हमारा क्या है, समतल का समीकरण है। तो ये जो चीजें मैंने लिखा है वो आपको बता दिया कि वो क्या चीजें हैं। तो चलिए अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हमें जो बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, 1 0 माइनस 2, ये बिंदु दिया है। तो इसी बिंदु से क्या हो रहा है, गुजर रहा है x1 y1 z1 इसी बिंदु से गुजर रहा है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, z1 बराबर माइनस 2, ये दिया गया है। ठीक, अब हमें एबीसी ज्ञात करना है। तो एबीसी के लिए हमें जो मान दिया गया था, एक सदिश एन के लिए क्या गया था, वो दिया गया था आई प्लस जे माइनस टू के। तो यहां से हमें ए की गुणांक मिल जाएगी 1, ए बराबर 1 और बी बराबर भी 1 और सी बराबर माइनस 2। तो यहां पे हमें मिल चुका है, ये 2 नहीं था, के था, तो ये हो गया 1। ठीक, तो इस तरह से हमें ये मान मिल गया और ये मान मिल गया। इन दोनों मानों को उठा के हम कहां पे रखेंगे, इसके कार्तीय समीकरण में रखेंगे ताकि हमें समीकरण पता चल सके। तो चलिए रख लेते हैं। तो ये मान मैंने उठा के रख लिया, ये है ए का मान x माइनस x1 का मान है, प्लस बी का मान ये है, y माइनस y1 का मान ये है, फिर c का मान ये है, z माइनस z1 का मान ये है, इजिकल टू जीरो। ये रखने के बाद इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 1 प्लस y माइनस z माइनस 2 इजिकल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा x प्लस y माइनस z, बचा क्या है, माइनस 2 और माइनस 1 मिलके 3 हो जाएगा, उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे, ये हो जाएगा 3। ये हो गया कार्तीय समीकरण। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्तीय समीकरण भी कैसे ज्ञात करते हैं। सेम इसी प्रकार से आप बी नंबर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न तीन बिंदु हमें दिया गया है। ए नंबर लिखा है एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु अलग अलग है। बी नंबर भी लिखा है एक, दो, तीन बिंदु। तो इसमें से हमें ज्ञात क्या करना है, समतलों का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो समतलों का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए बताते हैं। लेकिन इन दोनों में से मैं एक ही क्वेश्चन को बताऊंगा, दूसरा आप कर लेंगे क्योंकि सेम कंडीशन में दिख रहा है, बस अंक उसके चेंज कर दिए गए हैं। तो चलिए ए नंबर को लेते हैं जो कि यहाँ पे तीन बिंदु है, इसी से हम समतलों का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमें तीन बिंदु ऑलरेडी दे दिया गया है। तो इससे हम लिखेंगे, यदि सबसे पहले हम लिखेंगे इसका व्यापक, जो समीकरण लिखेंगे उस व्यापक समीकरण का मतलब क्या है, पहले ऊपर लिख लिया जाता है फिर व्यापक समीकरण लिखा जाता है। यदि ए बी सी, ए बी सी क्या, समतल के लंब के दिक अनुपात है तो क्या है, वो
x1, y1 और z1। अगर ये तीनों क्या है, समतल के दिक अनुपात तो ABC है और x1, y1, z1 से गुजरने वाला वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसके लिखने का मतलब क्या है। एबीसी जो कि एक दिक अनुपात है, x1, y1, z1 से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या बनेगा, इन दोनों से मिलाकर जो बनेगा वो हो जाएगा ax-x1 प्लस by-y1 प्लस cz-z1 इजिकल टू जीरो। ये हो गया समतल के समीकरण, मानक समीकरण इसको माना जाएगा। इसमें अभी वैल्यू रखना है, तो सबसे पहले हम बिंदु 1 को ले लेते हैं। बिंदु A जो हमारा लिखा है 1, 1 और -1, ये हमारा बिंदु दिया है। देखिए क्वेश्चन अगर मैं बताता हूं तो आप हमेशा जब भी पढ़िएगा अपने बुक को आगे सामने रख लीजिएगा, ताकि मैं जो बता रहा हूं आप अपने बुक में देखिए कौन सा क्वेश्चन से कहां से उठाया जा रहा है। ठीक, ये हो गया ए बिंदु, ये है इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण। मतलब पहले बिंदु से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, ये पहला जो बिंदु है ये है x1, y1, z1। पहला बिंदु किसको मानेंगे, x1, y1, z1, मतलब हमें यहां पे वैल्यू रखना है। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा ax-x1 की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1। इसी तरह से इसमें by-y1 फिर प्लस cz-z1 होगा, लेकिन यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस इजिकल टू जीरो। ये पहले बिंदु मैंने इसमें रख लिया। अब बात करते हैं दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु कहाँ पे रखेंगे और उसका यूज कहाँ पे, ये समझिए। लिखेंगे बिंदु बी, बिंदु बी जो क्या है, बिंदु 6, 4, -5 ये बिंदु है। इस समीकरण पर स्थित हो तब, जो बी हमारा बिंदु है ये अगर इसी बिंदु पर स्थित है, मतलब इस समीकरण पर अगर स्थित है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यह है xyz, यहां पे रखेंगे xyz के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a6, एक x की वैल्यू 6-1 प्लस b4-1 प्लस c-5, ये हो गया -5 प्लस 1 इजिकल टू जीरो। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, लिखेंगे 5a प्लस 3b-4c इजिकल टू जीरो। तो यहां पे हमें एक समीकरण मिल गया है जिसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो दो बिंदु मैंने यूज कर लिया, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, लेकिन अभी एक बिंदु और बचा है जो बिंदु सी है, क्योंकि तीन बिंदु से हमें ज्ञात करना था। तो देखिए तीसरा बिंदु वो क्या होगा, अगर ले लेते हैं बिंदु सी, क्या बिंदु था वो, -4, -2 और 3, ये बिंदु तीसरा बिंदु होता। सी बिंदु भी इसी समीकरण पर स्थित हो तब, देखिए दो बिंदु तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर तीसरा बिंदु भी अगर इसी समीकरण पर स्थित है, इसी समीकरण का मतलब xyz, इसी की वैल्यू दोबारा रखेंगे, ये तो हमारा समीकरण 1 बन गया, अगर दोबारा रखेंगे तो समीकरण 2 बनेगा, तो इन दोनों से हल करके बताएंगे। तो चलिए दोबारा रखते हैं, तो ये हो गया सी बिंदु मैंने रख लिया, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, सी वैल्यू भी मैंने रख लिया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा -5a-3b और ये +4c इजिकल टू जीरो, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम माइनस को कॉमन करेंगे और माइनस को जीरो के साइड भेज देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहां पे हो जाएगा 5a+3b-4c इजिकल टू जीरो। तो ये समीकरण नंबर जो 2 दिख रहा है, और समीकरण नंबर 1 मैंने क्या निकाला था, वो था 5a+3b-4c इजिकल टू जीरो, ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों को ध्यान से देखिए, सेम टू सेम दिख रहा है। अगर ये दोनों समीकरण बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ab के अनंतता मूल हो सकते हैं।
अगर ये बराबर है तो अनंत हो सकते हैं, तो इसलिए कहेंगे कि ये दोनों आपस में सदैव संतुष्ट करते हैं और संतुष्ट भी कर रहे हैं, साथ में ये समरेख भी हैं। अगर ये आपस में बराबर है तो क्या समरेख भी है, तो इतना आपको करके छोड़ देना है। ठीक, इसी तरह से बी नंबर भी आपको कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सातवां क्वेश्चन है, समतल 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 5 द्वारा काटे गए अंतखंडों का माप। तो अभी तक आप पढ़े होंगे अंतखंड केवल xy के लिए, दो बिंदु के लिए, लेकिन ये तीन बिंदु का आ गया अंतखंड। तो इसका मानक अंतखंड क्या होगा, मानक समीकरण का, मानक समीकरण का अंतखंड क्या हो जाएगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इजिकल टू 1। ये होता है अंतखंड। तो इस रूप में हमें इसको चेंज करना पड़ेगा ताकि हमें ए बी सी प्राप्त हो जाए। ठीक, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी में 5 से भाग देंगे ताकि हमें इजिकल टू 1 मिल सके। तो लिखेंगे समतल, क्या है समतल, 2x plus y minus z is equal to 5। ठीक, 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग देते हैं, ये हो जाएगा 2 upon 5x plus y, के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y upon 5। ठीक, ये हो गया, अब माइनस जेड अपान 5 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस तरह से हमें मिल गया, लेकिन अभी अगर तुलना करेंगे तो ये x के अपान a नहीं दिख रहा है, ये हमारा x अपान a है, यहाँ पे 2/5x है, तो ये अंतर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, तो अब हो जाएगा x अपान 5/2, ये 2 नीचे हो जाएगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे y upon 5, अब ये चीजें क्या है, ये माइनस में है लेकिन हमें अंतखंड में प्लस यूज करना है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं और ये हो गया जेड अपन माइनस 5 यहाँ पे ले लेते हैं इजिकल टू 1। अब हम इससे तुलना करेंगे अंतखंड के मानक समीकरण से, जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समतल द्वारा काटे गए अंतखंड, क्या है अंतखंड, पहला है 5/2, फिर 5 हो गया, ये हो गया 5, फिर -5, ये हो गया -5, ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 7 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू करेंगे भाग 2 में, तो भाग 2 को देखना ना भूले, जो कि आपको जल्द आपको मिल जाएगा। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।